हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल लेकिन एकदम घरेलू अंदाज में बना हुआ पिज्जा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और पिज्जा नॉर्मली सभी को पसंद होता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पिज्जा बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक पिज्जा बेस, और ये रेडीमेड पिज्जा बेस है और इसके साथ पिज्जा बनाना काफी आसान हो जाता है। और साथ ही हमें जरूरत होगी बटर की, जो कि हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, थोड़े से स्वीट कॉर्न के दाने और ये फ्रोजन है, जालापीनो इसके कुछ स्लाइस मैंने लिए हैं, एक छोटे साइज का टमाटर जिसे बारीक काटा हुआ है, एक छोटे साइज की शिमला मिर्च वो भी मैंने बारीक काटी हुई है। अगर आपके पास कलर्ड शिमला मिर्च है यानी कि ग्रीन, येलो और रेड, तो आप तीनों डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ग्रीन का यूज कर रही हूँ। एक टेबल स्पून टमाटर सॉस और दो टेबल स्पून मैंने ली है सेजवान सॉस, और ये ली है मैंने चीज जिसको हम ग्रेट करके यूज करेंगे। और वजन में आप देखेंगे तो ये करीब 50 से 60 ग्राम चीज है। और एक पिंच हम यूज करेंगे पिज्जा सीजनिंग और थोड़े से चिली फ्लेक्स, नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि बटर में भी नमक है, हर चीज में नमक है, इसलिए नमक हमें बहुत थोड़ा सा चाहिएगा। और थोड़ा सा हम यूज करेंगे चाट मसाला। चलिए अब पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो पिज्जा लिया है इस पे हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे, और पिज्जा को हम तवे पर बनाने वाले हैं, इसलिए हमने एक नॉर्मल जो हम घरों में तवा यूज करते हैं इसके लिए हम नॉन स्टिक तवे का यूज नहीं करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसे हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक सेक लेंगे। ये करीब 1 से 1.5 मिनट तक मैंने पिज्जे को सेक लिया है और आप देखिए इस पे से हल्का कलर आ गया है। और अब हम दूसरी साइड भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे, एकदम थोड़ी सी मात्रा में हम इधर भी बटर लगा देंगे। और बटर लगाने के बाद में पिज्जा को पलट देंगे। पिज्जा बनाने के लिए मैंने जाली का यूज किया है, जो नॉर्मली हम घरों में आटा छानने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट तवे पर पकाएंगे तो हमारा पिज्जा नीचे से जल सकता है, इसलिए आप पिज्जे को हमेशा जाली के ऊपर रखकर पकाएं। अब सर से हम इस पे ये सेजवान सॉस लगा देंगे, टमाटर सॉस लगा देंगे, और आप सेजवान सॉस की जगह चाहे तो पिज्जा सॉस का यूज भी कर सकते हैं। और दोनों तरह की सॉस लगाने के बाद में हम इस पर ये चीज डाल देंगे, और चीज को अच्छे से लगाने के बाद में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, टमाटर लगा देंगे, शिमला मिर्च, थोड़े से स्वीट कॉर्न, जालापीनो, आप चाहें तो ऑलिव भी लगा सकते हैं, चाट मसाला, थोड़े से चिली फ्लेक्स, पिज्जा सीजनिंग, ऊपर से थोड़ा सा चीज और डाल देंगे। ये हमारा डबल लेयर चीज पिज्जा बनकर तैयार हो जाएगा। तवा हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, बस अब हम ये जाली उठाएंगे और तवे के ऊपर रख देंगे। और बस इसके बाद में हम पिज्जा को कवर कर देंगे और इसे 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे, और उसके बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। मैंने जो पिज्जा पर ढक्कन लगाया है उसमें स्टीम निकलने के लिए और अंदर से एयर जाने के लिए जगह बनी हुई है। आप कोई ऐसा ढक्कन नहीं कवर करें जिसमें से एयर निकल सके और एयर जा सके। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमने ये चीज डाली थी ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और ढका रहने देंगे, क्योंकि तवा हमारा भी अच्छे से गर्म है। और 2-3 मिनट बाद मैंने एकदम गर्मा गर्म पिज्जा तवे से उतार लिया है। एक पिज्जा कटर लेकर हम इसे स्लाइस में काट देंगे। ये हमारा काफी टेस्टी और झटपट बनने वाला पिज्जा बनकर तैयार हो गया है।
और ये तवे पर सिका हुआ पिज्जा देखिए दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सिका है क्योंकि हमने इस पे जाली का यूज किया है। इस पिज्जा को आप बच्चों को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। झटपट बनने वाली ये तवा पिज्जे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का लेकिन घरेलू अंदाज से बना हुआ पिज्जा बनकर तैयार है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।